और उसने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि
कि मुझे नाम नंबर दिया जाए था हयात, मुझे जिंदगी भर के लिए जिस शौहर ने मुझको तलाक दी है वो मेरे बच्चे को बर्दाश्त करे, मुझे नाम नंबर देता हयात है। और उस पर भी मुसलमान इस मुल्क में तमाम फिक्र के इकट्ठा हुए और मुकाबला किया, उसमें भी हुकूमत को कामयाबी नहीं, नाकाम हो गए। मुस्लिम पर्सन अल्लाह कोर्ट जैसा था वो मुस्लिम पर्सन अल्लाह जैसा था वैसे ही रहा। अब ये बहुत बड़ी कोशिश हो, छोटी कोशिश तो बहुत हुई है, बहुत बड़ी कोशिशों में ये कोशिश हो रही है कि तलाक है सरासर औरत पर सरासर जुल्म है। जो ये लोग ये कहते हैं कि तलाक है सरासर औरत पर सरासर जुल्म है, तो इस्लाम की बुनियादी चीजों से भी वाकिफ नहीं। इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियादी चीज क्या है? इस्लाम कहता है खैर को मन का ना खैर की आदि, तो मैं सबसे अच्छा अल्लाह के पास वो है जिसको उसका बीवी अच्छा है। जब कुरान जब हदीस की ये तालीमात है, अगर तुम्हारी बीवी तुमको सर्टिफिकेट दे रही है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह उस सर्टिफिकेट को कबूल कर तुम्हारा, अल्लाह उस सर्टिफिकेट को बीवी की दी हुई सर्टिफिकेट को कबूल कर दिया। हुजूर ने अपने आमद से भी बता दिया, हजरत आयशा से दिखा कर अल्लाह का नाम एक मतलब घर में है और एक बड़ा प्याला लेके किया।
मुसलमानों ने ऐसा ऐसा किया है, अगर ये तलाक के मसला का नाम उठाते, अगर ये हमारे बिरादरान में होता तलाक के सलासा का मसला ना उठाते, विरासत का मसला उठाते, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो जाए। अगर ये आलम का मसला उठाते कि भाई विरासत मुसलमानों में इंसान की बुनियाद पर नहीं है, अगर ये कहते नहीं कह सकते, इसलिए कि विरासत का जो निजाम इस्लाम का है वो लोगों की आंखें खोल देने वाला निजाम, वो लोगों के शोर को बेदार, आज बड़े अफसोस की बात है, शोर बेदारी का जो नाम हो रहा है, हमको नींद से जगाने के लिए, गफलत से बेदार करने के लिए गैर मुस्लिमों को कोशिश करनी पड़ती है कि तुम होशियार हो जाओ, तुम गफलत छोड़ दो। ये बड़े अफसोस की बात है, मुसलमान सो रहा हो और गैर मुस्लिम उसको जगा रहा हो, मुसलमान को तो उससे पहले जाग जाना चाहिए, मुसलमानों को इतना तो पता होना चाहिए कि एक मुसलमान बनने के लिए, एक मुसलमान रहने के लिए मुसलमान बनना बहुत आसान है, मुसलमान बनना, मुसलमान बन के रहना, मुसलमान बन के मरना, ये बहुत मुश्किल काम है जो हम नहीं जानते और उसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। मुसलमान हम बन गए हैं, मुसलमान हमने कोई सोच विचार करके नहीं बने हैं, बल्कि हम मुसलमान के घरों में पैदा हुए हैं मुसलमान बन के। पर ये अलग मौजू है, ये इस वक्त मेरी तकरीर का मौजू नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, मुसलमान बन के जीने का शौक और जज्बा हमारे अंदर जब तक ना हो, हमको गैर ठेकेदार करते रहेंगे, हम खराटे लेते रहेंगे, सोते रहेंगे। अधिकारी अगर ऐसे मौका पर भी मुसलमान इकट्ठे ना हो, एक साथ जमा ना हो, एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए और आगे बढ़कर अपने हुकूम का मुतालबा ना करें, क्या हुआ था? एक छोटी सी बात मुख्तसर से मैं कह देता हूँ कि इससे पहले चंद आजाद किस्म की औरतों को जो मुसलमानों का नाम रखने के लिए देती थी, मुसलमान सब मुसलमान नहीं होते। एक बुजुर्ग का मैं वाकया भी सुना देता हूँ। एक बुजुर्ग के पास लोग गोली बोलने के लिए आते थे, वो कहते कि भाई नहीं, फिर आओ, एक हफ्ते बाद आओ, एक महीने बाद आओ। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि किसी पीर के पास जब लोग गोली बोलने जाते हैं और ही वो उनको गोली बना लेता है, मगर आप उनको डरा देते हैं, अब नहीं फिर आओ उसके बाद डाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? किसी को जल्दी गोली नहीं बनाते, क्यों करते हैं? तो उन्होंने एक बात कही, क्या तुम समझते हो ये दो पैर पर चलने वाले सब के सब मुसलमान हैं? क्या तुम समझते हो ये दो पैर पर चलने वाले सब के सब मुसलमान हैं? मैं तो इनको नहीं समझता, जब तक मैं उनको आदमी है ये, क्योंकि इनकी दुम नहीं है, ये उछल कूद नहीं कर सकते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये आदमी है, आदम की औलाद है, मैं इनको तो इंसान भी नहीं समझता, पहले इनको इंसान बनाता हूँ, फिर उसके बाद मुसलमान बनाता हूँ, उसके बाद दूरी बनाता हूँ। ये उनका सोच का था कि मुरी बनाने में जल्दी नहीं करता, आदमी सब इंसान नहीं होते और इंसान सब मुसलमान नहीं होते, जो मुसलमान होता है वो इंसान भी होता है, आदमी भी होता है। एक बुजुर्ग ने हमें बहुत अच्छी बात कही, बात में बात याद आ रही, तो जो आदमी अपनी भलाई का सोचता है वो आदमी भी नहीं है, जानवर है। जिस तरह कुत्ता अपने रिस्क के बारे में सोचता है, कुटिया के बारे में नहीं करता, मगर हड्डी के बारे में करता, जानवर जो अपना भला सेल्फिश होता है, खुद अपना भला चाहता है, जो अपने खानदान का भला चाहता है वो क्या है? आदमी है। जो अपनी बिरादरी का भला चाहता है वो इंसान है। जो सारी अल्लाह के मखलूक का भला चाहता है वो मुसलमान। जो सारे इन सारे मखलूक का, जानवरों का ही नहीं बल्कि अल्लाह के सारे मखलूक का जो भला चाहता है वो मुसलमान। तो अधिकारी गिरामी ये चंद नौजवान औरतों को ले आइए, उनको कुछ लालच दिया गया, उनको कुछ नहीं किया गया, इस्लाम के खिलाफ भड़का कर उनके दस्तरें ली गई, लाखों लोगों को दस्तरें ली गई कि वाकई इस्लाम में तलाक सलासा का मसला जुल्म है औरतों पर। उन्होंने बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, अल्लाह का भला करे हमारे मौलाना इकराम का, 3 करोड़ से शायद मुसलमानों के घरों से दस्तरें लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश कर दिया कि तुम चंद लाख के दस्तरें लेकर कहते हो कि तलाक सलासा गैर इस्लामी है, ये 3 करोड़ औरतों के दस्तरें हैं, खानदानों और घरों की दस्तरें हैं, इसका क्या जवाब दोगे? यहाँ से सूचना से बात खत्म होगी, लेकिन मैं आप साथ साथ आपको यकीन दिलाता हूँ जिस तरह से ये मुतमन्ना के बारे में कामयाब नहीं हो सके थे और शाबान में जिंदगी भर
लगातार ढांचा लेने के मुताबिक औरत को जिंदगी भर नाकामता लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, वैसे ही तलाक सलाशा के मसले में भी कामयाब होने वाले नहीं है। मगर ये एक मौका है मेरे लिए, आपके लिए, कि हम शोर हमारा निराश हो जाए, हम होश में आ जाए, हम दीन से गफलत से निराश हो जाए और इकट्ठा हो जाए, दीन को समझने की कोशिश करें। और हसन बखुदा मैं आपके सामने कहता हूँ, आप तलाश कर लीजिए, आप सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए कि मुसलमानों में जो थोड़ा सा परसेंट 0.5% की जो तलाकों के वाकयात हैं, अलग अलग देशों को देख लीजिए, ये उन्हीं के घरों में हुई है जिनके घरों में दीन नहीं था, जिनके घरों में पैसा था वहां तलाक ज्यादा हुई है, जिनके घरों में जहालत ज्यादा हुई थी वहां तलाक हुई है। वरना मुसलमान मुसलमान जोड़े को क्या कहते हैं, हर एक मुस्लिम बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा जानता है, बूढ़ा जानता है, औरत को उसकी फसली से बनाया जाता है, औरत को उसकी फसली से। आदमी जब ऐश परस्त हो, मुतादी बीवियों से शादी करने का इरादा हो, एक को छोड़े दूसरे से शादी करे, ये सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में नागुजीर सूरतों में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत जरूर दी गई है, मगर उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी क्या लगाई है, वो इन फिर तुम अल्लाह ताली हो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम दो बीवियों में इंसाफ नहीं कर सको, तीन बीवियों में इंसाफ न कर सको, चार बीवियों में इंसाफ न कर सको, तो फिर एक ही में इक्तफा करो, वो वाहिद अतन, बस एक ही बीवी तुम्हारे लिए सही है, कि तुम जो भी इंसाफ नहीं कर सकते इंसाफ करने की शर्त पर और तुम्हारे पास माली उसार की शर्त पर तुमको दूसरी शादी करने की इजाजत दी गई थी, अगर ये तुम्हारे पास नहीं पाया जाता है तो फिर तुम दूसरी शादी ना करो। और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े के बारे में कुरान क्या कहता है, अगर ये मौके से हम फायदा उठाएं। आप जानते हैं कि अभी चंद साल पहले की बात है, मुसलमानों को टेररिस्ट बताया गया और उसके बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सी थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वो कुरान शरीफ था। मगर वो कौम जितनी बेदार है उतनी कौम बेदार हमारे मुल्क की नहीं है। 100 साल से गैर मुस्लिमों के दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है, जिसकी वजह से जरा सी भी इंसान की नजर से वो मुसलमानों को या इस्लाम को नहीं देखते हैं। यूरोप का मामला ऐसा नहीं था, उनके दिलो दिमाग में इंसान था, तासुब नहीं था, उन्होंने कुरान पढ़ा और लाखों हजारों की तादाद में मुसलमान हुए। लेकिन यहाँ शोर बेदारी की जो कोशिश हो रही है, कुरान कहता है कि तलाक को तो, जैसे कि मौलाना ने इससे पहले भी कहा, तलाक को तुम आखिरी ऑप्शन बना लो और आखिरी ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने से पहले घर के बड़ों को बात करने की वो गुंजाइश दो, वो इनकी तुम शिकाफा बेगीमा और आपको हकमा मिनाली वो हकमा मिनाली का लड़की की तरफ से एक जाए आदमी जो जिम्मेदार है हकम हो और लड़के की तरफ से एक जाए दोनों में सुलह करने की कोशिश करे। हदीसों में आता है सबसे बड़ी नेकी ये है कि लड़ते हुए मियां बीवी को जो मिला दे ये सबसे बड़ी नेकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और साथ साथ बताया कि शैतान जो सबसे बड़ा बुरा काम करता है अपने हकीम के पास या अपने बड़े के पास जो बड़ा इज्जतदार मर्तबा मकाम पाता है वो ये है कि मैं मियां बीवी को लड़ा के आया हूँ, कहता है इतनी कि तू मेरा जानशीन बनने के लायक, तू मेरा जानशीन बनने के लायक, क्योंकि तूने वो काम किया है जो मैं चाहता हूँ। और जब शैतान जिस काम से खुश होता है उसके अपोजिट काम से अल्लाह उसके रसूल कितने खुश होते हैं। अजीजाने गिरामी, ये शुऊर बेदारी मुहिम आपको जगाने के लिए है। हम आपस में एक दूसरे को जगा लेते तो बहुत अच्छा था, हमको गैर जगा रहे हैं। अब हमारे घरों में दीन क्या चीज है, पर्सनलिटी क्या चीज है, उसे अमल करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कुरान की एक आयत पर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। कुरान कहता है ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, जो अल्लाह की मानी हुई के कानून को जो लागू नहीं करता अपनी जिंदगी में वो काफिर है। कहीं कहता है ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, जो अल्लाह के अहकाम को जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब में रसूल के जरिए से हमको बताया है अगर उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करता है तो वो नाफरमान है, वो मुसलमानों में उसका शुमार नहीं हो सकता। तो मेरी आपकी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में अपने अजीजों में रिश्तेदारों में मुस्लिम
साहब मुझसे कहने लगे बहुत पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट के बड़े ओहदे से रिटायर हुए, उन्होंने मुस्लिम पसमांदा जो वर्ड है उसका एक स्टेटमेंट का मजाक उड़ाया। तो बहरहाल बात यह है कि उनको दीन से वाकिफियत ना होने की वजह से मुस्लिम पसमांदा बोर्ड के फैसले का मजाक उड़ाया कि मुसलमानों का आपसी मसला है तलाक का, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम खुद दुरुस्त कर लेंगे, हुकूमत को दखल देने की जरूरत नहीं। तो इसका मजाक उड़ाया उन्होंने कहा। मैंने कहा कि भाई शादी भी दो बोल से हो सकती है तो दो बोल से अलायदगी क्यों नहीं हो सकती, मगर अलायदगी के लिए जिन जगहों पर जहां जहां अलग हुए हैं वो या तो मालदार तबका था जो आईटी के शोबे में है, शादी अक्सर नाकाम हो जाती है, एक शादी की उसको छोड़ दिया, कभी लड़की की बदमाशी कभी लड़के की बदमाशी, या फिर तलाक उन लोगों में ज्यादा होती है जो दीन से बिल्कुल ही नापाक होते हैं। ये मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दीन के अहकाम को लोगों तक पहुंचाए। और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।